एंड करियर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहिए स्टूडेंट खबरी के साथ। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, यू आर वाचिंग स्टूडेंट खबरी। एंड आज का जो स्पेशल एपिसोड है वो सारे ग्राफिक डिजाइनिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए है, स्पेशली द बैचलर्स ऑफ डिजाइनिंग इन ग्राफिक डिजाइनिंग। सो जो सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका ग्राफिक डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है या फिर उन्हें इसके अराउंड रहना बहुत पसंद है, सो एक ग्राफिक डिजाइनिंग की अगर मैं बात करूँ तो ये कोर्स बहुत ही स्पेशल है और इन सारे स्टूडेंट्स जो इसके लिए एलिजिबल हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन सेट कर सकता है। सो जब मैं इस में बैचलर्स ऑफ डिज़ाइनिंग की बात करती हूँ, सो ये ग्रेजुएशन कोर्स है। दैट मींस जो मिनिमम आपकी एलिजिबिलिटी है वो होनी चाहिए 10+2। अगर एक स्टूडेंट को इसमें इंटरेस्ट है, दैट मींस ग्राफिक डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट है और वो इसे परस्यू करना चाहता है, सो उसे 10+2 यानी 12th क्लास पास होना चाहिए एंड ऑल्सो विद द नोट कि 50% ऑफ एग्रीगेट ज़रूर होना चाहिए सो दैट आप एक परफेक्ट कैंडिडेट हो इस कोर्स को परस्यू करने के लिए। अगर मैं बात करूँ एक ओवरऑल रिव्यू की, सो जो ये पूरा कोर्स है ये डिज़ाइनिंग पे बेस्ड है और इसका भी बाकी नॉर्मल कॉलेजेस की तरह 3-4 ईयर्स का पूरा कोर्स होता है। दैट मीन्स इसका जो ड्यूरेशन है वो 4 ईयर्स तक हो सकता है एंड इसके भी जो एग्ज़ाम्स होंगे, जो सेमेस्टर्स होंगे वो बिल्कुल दूसरे कॉलेजेस की तरह सेमेस्टर वाइज होते हैं। जब मैं बात करती हूँ जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपकी जो फ़ी स्ट्रक्चर है वो कैसी होगी, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स को जानना होगा कि अगर हमारा इंटरेस्ट है इसके अराउंड तो उसकी फ़ी स्ट्रक्चर या उसके बारे में भी जानना चाहते होंगे। सो इसकी जो फ़ी स्ट्रक्चर है वो वैरी कर सकती है डिफरेंट कॉलेजेस के लिए या यूनिवर्सिटीज़ के लिए, तो वो हो सकती है 30,000 रुपीज़ से 3 लाख रुपीज़ फॉर द होल कोर्स। ये डिपेंड करता है कि आप कौन से कॉलेज में एनरोल कर रहे हैं, उनके कितने कोर्सेज परस्यू कर रहे हैं, कौन सी सिटी में लोकेटेड है एंड बहुत सारे ऐसे ही फैक्टर्स। अगर मैं बात करती हूँ इसके एडमिशन प्रोसेसेस की कि कैसे स्टूडेंट 12th के बाद इस ग्रेजुएशन को परस्यू कर सकते हैं या कैसे एडमिशन्स ले सकते हैं, तो ऑब्वियसली आपको ऑनलाइन बहुत सारे कॉलेजेस मिल जाएंगे जो इस कोर्स को परस्यू करवाते हैं, जो इसमें बेस्ट हैं। सो इनमें से जैसे जो कॉलेजेस हैं, कुछ या तो आपकी डायरेक्ट सीट्स आपको अवेलेबल करवा देते हैं, यहाँ तक कि कुछ ऐसे भी कॉलेजेस हैं जो आपके 12th के कट ऑफ मार्क्स को देख के आपको एडमिशन देते हैं, और ऐसे भी कॉलेजेस हैं जो आपके पर्सनल इंटरव्यू राउंड्स लेते हैं और वो ये देखते हैं कि क्या आप एक परफेक्ट कैंडिडेट हैं इस पूरे कोर्स को परस्यू करने के लिए। बहुत सारे कॉलेजेस में एंट्रेंस एग्जाम्स भी होते हैं और आपको उन्हें क्लियर करना होता है उस सीट को अवेल करने के लिए, तो आप इसमें डिफरेंट कॉलेजेस सर्च कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई भी डाउट हो या आप जानना चाहते हैं कि कौन से कॉलेजेस हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं और हम उसका जल्दी से जल्दी रिप्लाई करेंगे। जब एक स्टूडेंट अपनी ये स्टडी या फिर ये ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है तो ऑब्वियसली उसके माइंड में फर्स्ट क्वेश्चन होता है अबाउट रिक्रूटमेंट, जॉब पोजीशन, सैलरी एंड एवरीथिंग। सो उसके लिए अगर मैं बात करूँ तो आपकी जो रिक्रूटमेंट होती है इस ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कोर्स को कंप्लीट करने के बाद, वो कहीं ना कहीं होती है या तो ऑनलाइन मार्केटिंग स्टोर्स में या फिर किसी बड़ी ब्रांडिंग मल्टीनेशनल कंपनीज में या फिर गवर्नमेंट एजेंसीज में। सो ऐसी बहुत सारी और भी कंपनीज हैं जो स्टूडेंट्स को या फ्रेशर्स को, एक परफेक्ट कैंडिडेट को, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देती हैं टू अर्न एंड टू गेन अ लॉट ऑफ नॉलेज इन दिस फील्ड। अगर मैं बात करूं एक नॉर्मल किसी प्रोफाइल की और उसकी सैलरी की, तो मैं देखती हूं कि जॉब प्रोफाइल, जैसे कि अगर मैं बोलूं ग्राफिक डिज़ाइनर, तो फिर अगर मैं बोलूँ ग्राफिक डिज़ाइनर की जो सैलरी है वो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में होती है 2.3 लाख रुपीज़ पर एनम से स्टार्ट, एंड जैसे जैसे आपके स्किल्स इंक्रीज़ होते हैं, जैसे जैसे आपको नॉलेज गेन होता है, वैसे वैसे वो सब इंक्रीज़ होता जाता है। या फिर अगर मैं बात करूँ किसी इंटरेक्शन डिज़ाइनर की, तो उसकी भी सैलरी स्टार्टिंग में हो सकती है 7.8 लाख रुपीज़ पर एनम, विच इज़ अ रियली गुड स्टार्ट। और ऐसी बहुत सारी पोजीशंस होती हैं जिनकी आपकी जो स्टार्टिंग सैलरीज होंगी वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगी, और जैसे जैसे आप नॉलेज गेन करेंगे, आप जैसे जैसे अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे, आपकी जो सैलरी है वो भी इंक्रीज़ होती जाती है। दैट मीन्स कि बेसिकली ओवरऑल जो पूरा ग्राफिक डिज़ाइनिंग का आपका ग्रेजुएशन कोर्स है वो आपके लिए एक बहुत ही बेनिफिशियल कोर्स साबित हो सकता है अगर आपको इस फील्ड में प्रॉपर इंटरेस्ट है और आप अपनी स्किल्स को जो है डेवलप करना चाहते हैं। अंटिल देन, लाइक दिस वीडियो, डू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बट अगेन, अगर आपके दिमाग में अभी भी बहुत सारे सवाल हैं जिसके जवाब आपको नहीं मिल रहे, भले वो करियर से हो या कोर्सेज से हो, और होनी भी चाहिए बिकॉज यू नो करियर एक बहुत क्रूशियल डिसीजन है। हर स्टूडेंट की प्रोफाइल, इंटरेस्ट और स्किल्स के हिसाब से चीजें वेरी करती है, तो उसके लिए एक लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ask.collegekhabri.com, जिस पे जाके आप एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं बिकॉज वो आपको आपके प्रोफाइल और आपके इंटरेस्ट के हिसाब से बेस्ट ऑप्शन गाइड करेगा और आपके जितने भी सवाल है उन सब के जवाब देगा। और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना है। टिल देन स्टे ट्यून्ड।